हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अंजू आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम इन लकड़ियों की मदद से एक क्राफ्ट बनाएंगे पौधों के लिए। तो इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो देखते हैं आज की वीडियो में। तो इसके लिए मैंने कुछ लकड़ियों को सिलेक्ट किया है जो थोड़ी मजबूत भी हों। तो ये कटिंग रखी थी हमारे पेड़ की, तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है इसमें। और ये गमला लिया है मैंने 12 इंच का, इसको मैं अब खाली कर लूँगी। इस गमले में से हमें सारी मिट्टी इसका निकाल देंगे। और अब हम इसको दोबारा से भरेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी सूखी लकड़ियाँ, जिससे ड्रेनेज हॉल हमारा बंद ना हो। और इसी तरीके से मैं अपने गमले को भरती हूँ। तो पहले मैं डालती हूँ सूखी लकड़ियाँ और फिर डालती हूँ मैं सूखे पत्ते। तो इसमें मैंने सूखे पत्ते डाले हैं। और अब इसको मैं इसमें सेट करके देखूंगी कि किस तरीके से इसमें सेट रहेगा। इसमें हम इसको अच्छे से सेट करके इसमें मिट्टी भरेंगे। इसमें कुछ रोड़े भी मैंने भरे हैं, जो टूटी ईंट के रोड़े होते हैं वो मैंने भरे हैं, ताकि इसे थोड़ा सा भारी हो जाए, लकड़ी का वज़न थोड़ा सहन कर सके। और इसमें मैं अच्छे से मिट्टी को भर दूंगी। इस तरीके से अच्छे से दबा दबा के हम ये मिट्टी को भरेंगे। ये देखिए, हमने इसमें ये लकड़ी को सेट कर दिया है अच्छे से। और जो हमने मिट्टी भरी है उसमें हम अपने प्लांट भी लगा सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा ये गमला तैयार हो चुका है। और ये एक टमाटर का पौधा है जो ट्रांसप्लांट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस गमले में मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और इसमें से मैं ये टमाटर का पौधा इसमें ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो आप भी इस तरीके से लकड़ी का इस्तेमाल करके अपने प्लांटर को सपोर्ट भी दे सकते हैं और उसका लुक भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। तो इसको मैंने इसमें सेट कर दिया है और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके।